दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षा। NCPCR स्कूल सेफ्टी मैनुअल के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश करने के लिए कक्षाओं, शौचालयों, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, जलपान गृहों, ऑडिटोरियम में पहुंच प्रदान करने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए। रैंप के दोनों ओर रेलिंग लगाई जानी चाहिए। स्कूलों में दृष्टिबाधित बच्चों और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्कूल में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। सभी स्कूलों में ब्रेल लिपि में एक स्कूल मैप प्रदान करने का प्रावधान करना चाहिए, जिसमें कक्षा, कॉमन रूम, पुस्तकालय, शौचालय आदि सहित सभी सुविधाएं शामिल होंगी, जिसे स्कूल के मुख्य द्वार पर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रखा जा सके। इसके अलावा सभी कक्षाओं में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में साइनेज होना चाहिए। स्कूल की आपातकालीन और निकासी योजना भी ब्रेल में होनी चाहिए। सभी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की सूची तैयार की जानी चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद करने के लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उनकी सीमाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में एक नामित अधिकारी होना चाहिए, जिसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में विशेष जिम्मेदारी सौंपी जा सके।